सेक्टर शेयर की अगर बात करें तो ये पूरा स्पेस आज फोकस में है। केमिकल कंपनियां लगातार क्षमता विस्तार पर फोकस कर रही है, इसकी वजह क्या है, क्या कुछ फायदा इन कंपनियों को मिल सकता है, इस पर एक डिटेल रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है केमिकल कंपनीज़ में जो है धीरे धीरे करके वो अपनी क्षमता विस्तार यानी कि कैपेक्स एडिशंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है देखने मिल रहा है आपके कैपेक्स के एक्सपेंशन को लेकर। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर FY20 और 24 के आंकड़े देखें तो 3 गुना ज़्यादा उनके पिछले 5 साल में जो है इंक्रीज़ देखने मिली थी आपको, स्पेशली आपके कैपेक्स प्लान्स को लेकर। ऑफकोर्स रॉबस्ट ऑर्डर इन्फ्लोज देखने मिले और इंक्वायरीज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में अच्छी देखने मिली है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जियो पॉलिटिकल सिनारियों में बदलाव देखने मिल रहा है। इसका मतलब है कि भारत जो है चाइना प्लस वन कैटेगरी के साथ साथ जो सप्लाई चेन होती है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबली जो है इंडिया एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन रही है। लेकिन कुछ अहम अनाउंसमेंट्स हुए कैपेक्स के जो हम पहले बताते हैं। हाल ही में नवीन फ्लोराइन की हुई थी इस वीकेंड में, जहां पे वो अपनी 2 times हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। 450 करोड़ का निवेश रहेगा। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स में भी 450 करोड़ का जो है निवेश का प्लान है, जहाँ पर वो अपने फर्टिलाइज़र और फॉस्फोरिक एसिड पर फोकस करेंगे एक्सपेंशन का। बेस्ट एग्रो लाइफ की बात करें तो 200 करोड़ का ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन आया है इस स्टॉक में। विष्णु केमिकल्स है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे 1000 करोड़ का निवेश का प्लान आया है उनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और आखिर में बात करेंगे SRF और ये दिग्गज कंपनी में भी 645 करोड़ का जो है निवेश का प्लान है उनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, और यहाँ पे 3 plants दहेज में रहेंगे जो फोकस में रहने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि केमिकल स्पेस में जो है एक्सपेंशंस की जो इंटेंसिटी है उसमें जो है बहुत तेज़ रफ्तार आई है। ओके, तो शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है केमिकल कंपनियों का क्षमता विस्तार जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं उसके चलते ये एक अपडेट हमने आपको दिया, और उसके चलते ये तमाम कंपनियां फोकस में रह सकती है आने वाले समय में, तो उस पर आप नजर रखिए। और आज नवीन फ्लोराइन को भी लेकर इस तरह की खबर आई थी।